हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भैया आप सब। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा अनलेस और अनटिल। ये कंजंक्शन का पार्ट है दोस्तों, और हम लोग बकायदे कंजंक्शन का सारे सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इसके पहले वाले जो है सेशन में हम लोगों ने पेयरिंग कंजंक्शन को देखा, और बहुत अच्छे से देखा हर टॉपिक को। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उतनी प्रकार से हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि यदि वो सेशन अच्छा लगा हो और अभी तक ना देखे हो तो जा करके उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के पार्ट से ये भी पार्ट निकल कर आता है। देखिए दोस्तों, किसी की शुरुआत जितनी अच्छी होती है ना, जो है तो उतना जो है, आप अगर शुरू में ही बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं तो अंत तक आपकी जो उस शब्द पर या उस रूल पर, उस नियम पर जो आपका कमांड होता है, वो हमेशा बना रहता है, और चीज़ें भूलती भी नहीं है। बीच से पढ़ने में आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, फटाफट जल्दी शेयर कर दीजिए, है ना। और देखिए जो है, आज हम लोग ये अनलेस और अनटिल में डिफरेंस भी देखेंगे, और इनके क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरीके से इनके एग्जाम में इनके साथ क्या क्या गलतियां दी जाती हैं, है ना, कैसे एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन सब बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी शेयर कर दीजिए, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है ना। और डेली आप लोग 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे डेली आइए, और आपको हर हमारी क्लास के अपडेट मिलने के लिए उस जरूर रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, यानी सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि शाम को 8:30 बजे डेली आपको सेशन हमारा लाइव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का पहला वर्ड है अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल, दैट इज योर कंजंक्शन। कंजंक्शन, हम कंजंक्शन के पार्ट पर हैं, ये कंजंक्शन है। वी नो दैट दैट कंजंक्शन दैट इज अनलेस, वी से दैट अनलेस दैट इज योर कंडीशनल कंजंक्शन, अनटिल दैट इज योर टाइमिंग कंजंक्शन। क्या है, ध्यान समझिएगा। अनलेस की बात करें तो ये आपका कंडीशनल होता है। क्या होता है भाई, कंडीशनल होता है, इससे हमेशा शर्त का भाव प्रकट होता है। अनलेस, यहां मैं डिफाइन करूंगा एक एक करके। पहले अनलेस को डिफाइन करता हूं। अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट। क्या होता है, इफ नॉट, इसका मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है, यदि नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इसका और एक मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय। क्या होता है, के सिवाय, है कि नहीं। जैसे भाई मैं कह सकता हूं, मैं चाय के अलावा बिस्किट भी पसंद करता हूं। आई लाइक टू टी एक्सेप्ट बिस्किट, है कि नहीं। मैं चाय के अलावा या चाय के सिवा बिस्किट भी पसंद करता हूं, है कि नहीं। तो यहां पर एक्सेप्ट मतलब वही छोड़कर नहीं, के सिवाय, है ना। ठीक है दोस्तों, चले भाई। अब यहां पर अनलेस दैट इज गिव द सेंस ऑफ इफ नॉट, और गिव द सेंस ऑफ के सिवाय, ये दो सेंस देगा अनलेस। ध्यान दीजिएगा, बातें समझ में आ रही ना। ये अगर बात करें अनटिल की, अनटिल ये आपको टाइमिंग वर्ड है। क्या है भाई, समय बताता है। क्या बताता है, समय। अनटिल हमेशा क्या बताएगा, समय बताएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इनके, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जबकि ये जो है अनलेस, ये क्या बताता है, कंडीशन बताता है। कंडीशन तो जानते होंगे, शर्त बताता है ये। तो अनलेस शर्त बताएगा, अंटिल आपका टाइम बताएगा। ध्यान समझिएगा, पहले चीजों को समझ लीजिएगा, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहली बात, अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, यदि नहीं, या फिर कह सकते हैं एक्सेप्ट के सिवाय। अनलेस दैट इज आल्सो से दैट कंडीशनल, क्या कह सकते हैं, कंडीशनल वर्ड। ये आपको शर्त बताने का काम करेगा। व्हेन या जबकि, अंटिल क्या बताएगा, समय बताएगा। बातें समझ में आ रही ना, ये कंडीशन बताएगा, ये समय बताएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अनटिल और अनलेस बोथ वर्ड्स आर सेमी निगेटिव। ध्यान समझिएगा, अनटिल और अनलेस दैट इज निगेटिव वर्ड, या इसको कह सकते हैं सेमी निगेटिव। अब ये जो सेमी निगेटिव है, तो नेवर यूज अनदर निगेटिव वर्ड व्हेन यूज इन द सेंटेंस अनलेस और अनटिल। जब हमको सेंटेंस में, या फिर जब सेंटेंस में अनलेस और अनटिल का यूज किया गया हो, तो वहां पर हम अनदर निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं।
यानी कि निगेटिव वर्ड वी से दैट नो नॉट नेवर या अनदर निगेटिव वर्ड, ध्यान दीजिएगा नो नॉट नेवर या फिर कोई अन्य दूसरा निगेटिव वर्ड जैसे कि हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली सेल्डन दैट इज आल्सो सेमी निगेटिव वर्ड है ना। तो इनको कभी भी हम इनके साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। नहीं पता चला जैसे मैं कह दूं अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, देखिए गलती किस तरीके से पूछेगा आप समझ लीजिएगा। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल इन द एग्जाम। इस सेंटेंस को देखिए आप, बताइए भाई जरा करिए इसको। तो यहां पर क्या गलती हो गई, पहली गलती यहीं से देगा। देखिए हमारा हर सेंटेंस हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो भी गलतियां पूछता है जो भी देता है उससे संबंधित होगा ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला मैंने कहा अनलेस और अनटिल सेमी निगेटिव जो वर्ड होते हैं और इन सेमी निगेटिव वर्ड के साथ कभी भी अंदर निगेटिव वर्ड नहीं यूज करना। चले हमने कहा इनके साथ किसी अन्य निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ पर डज नॉट को रिमूव कर देंगे। किसको? डज नॉट को रिमूव कर देंगे अनलेस। अब इसको रिमूव करने के बाद इसको हम सब्जेक्ट को सिंगुलर बना लेंगे, यानी कि वो को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट दैट इज योर सिंगुलर नंबर, वी यूज वर्ब आल्सो एज अ सिंगुलर नंबर ठीक है ना। तो वर्ब को भी हम सिंगुलर नंबर में प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहली गलती यहां से पूछेगा, समझ में आ गई बात है ना भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए अब दूसरी गलती ध्यान समझिएगा, अब क्या कर देखिए आई सेल, मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखिए दोस्तों आई सेल वेट हियर, ध्यान समझिएगा हमारी बातें, अंटिल माय फ्रेंड डज नॉट कम। जरा बताइए क्या ये सेंटेंस सही है भाई, आप लोग जरा देखिए, बताइए ठीक है। अब जरा मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं इसको इस तरीके से, आई शैल वेट हियर अनलेस माय फ्रेंड कम्स। जरा बताइए, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंस पर आप नजर डालिए, ध्यान रखिएगा। अब पहली बात हो तो मैंने ये बता दिया पहले सेंटेंस से कि अनलेस और अंटिल बोथ आर सेमी निगेटिव वर्ड, वी नेवर यूज्ड अनदर निगेटिव वर्ड व्हेन यूज अनलेस और अंटिल ठीक है ना। तो ये पहला शब्द हो गया जब हमको किसी अन्य निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना जब अनलेस और अंटिल लगे हो। दूसरी बात हमने ये ध्यान रखना है कि अनलेस आपको कंडीशन बताएगा, अंटिल आपको टाइम बताएगा। तो जरा देखिए, आई शैल वेट हियर, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा अनटिल तब तक या जब तक माय फ्रेंड डज नॉट कम, जब तक। तो ये क्या है, जब तक मतलब टाइम दे रहा है कि नहीं भाई, बताइए जरा ये टाइम दे रहा है। अच्छा एक नजर इस पर डालते हैं, आई शैल वेट हियर, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा, आई शैल मैं यहाँ वेट करूंगा अनलेस, अब अनलेस क्या है कंडीशन ये है कि माय फ्रेंड कम्स, ये है भाई नहीं, ये बिल्कुल कंडीशन नहीं बन रही है, कंडीशन बन रही है नहीं बन रही भाई, अनलेस माई फ्रेंड्स कम शर्त बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका अर्थ हो गया यदि नहीं यदि मेरा मित्र नहीं आता है मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये क्या बात हुई भाई, जरा बताइए लॉजिक सही है नहीं सही है, मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आता है, बात समझ में आ गई ना। तो ये वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बताइए जरा। चले भाई नेक्स्ट देते हैं। देख ये तो सेंटेंस आपके समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब एक सेंटेंस और देते हैं, देखिए सी डज नॉट, ध्यान रखिए दोस्तों, सी डज नॉट कम हियर, सी डज नॉट कम हियर अंटिल अंटिल सी नीड्स वाटर। अब जरा इस सेंटेंस पर नजर डालिए और इसको बनाइए भाई आप लोग। क्या कर दिया भाई, सी डज नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आती है, वह यहां नहीं आती है अंटिल, जब तक सी नीड्स वाटर, जब तक पानी की आवश्यकता होती है। बातें कुछ हजम नहीं हुई है भाई, जब तक पानी की आवश्यकता नहीं होती तब तक, मतलब कि तब नहीं आती है, ये कुछ हजम नहीं हुई। तो जरा गौर से समझिए दोस्तों, कंडीशन ये है, जरा इसे समझते हैं, सी डज नॉट कम हियर है कि नहीं। अब इसमें मैंने कह दिया अनलेस, इस पर जरा गौर करिए, सी नीड्स वाटर, यानी कि इधर ध्यान दें, सी डज नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आती है अनलेस सी नीड्स वाटर, कि यदि नहीं उसे जब तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कंडीशन है कि भाई कंडीशन ये है कि पानी की आवश्यकता होती है तभी वह आती है, ये कंडीशन है। यहाँ कोई टाइम बताया जा रहा है क्या भाई, टाइम तो नहीं बताया जा रहा है कि जब पानी की आवश्यकता होती है तो वह नहीं आती है कि नहीं। तो वही है भाई, अनलेस सी नीड्स वाटर, जब तक उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती, सी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज योर क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ कंडीशन कंडीशन, ठीक है, दैट इज योर क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। क्लॉज ऑफ कंडीशन आल्सो से दैट सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, क्लॉज ऑफ रिजल्ट आल्सो से दैट प्रिंसिपल क्लॉज। बातें समझ में आ रही दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, बोलिए ठीक है। ये सेंटेंस तो जरा बताइए, अंटिल और अनलेस में कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमेशा शर्त बताएगा, ये हमेशा टाइम बताएगा, और शर्त बताएगा टाइम बताएगा। और ध्यान रखिएगा जो दूसरी गलती देगा कि ये सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ किसी भी अन्य निगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत बताइए भाई, ठीक है ना दोस्तों यहाँ तक। चलिए यदि सेशन समझ में आ रहा हो तो भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग, और सब तक पहुँचाइए इसको, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे कि टाइम टू टाइम यानी कि शाम को 8:30 बजे हमारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। ये लिख लीजिए, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। हमने सुनते हैं आपको बहुत ही अच्छा है, देखिए सारे कंजंक्शन भाई, कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड ही है, तो जो जोड़ेंगे तो क्लॉज आएंगे, सेंटेंस आएंगे, सिंपल सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। अब हम लोग ले सकते हैं आपको लिस्ट, ये इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, आगे वाले क्लॉज में, आने वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यानी कि यदि क्लॉज पहले क्लास में आपको लिस्ट वर्ड मिल गया तो दूसरे क्लास में आपको शुड का होना मस्ट है, ठीक है ना भाई। ठीक है ना, चले भाई, चलिए। अब ध्यान रखिएगा, जो हम पहली बात ये बताएं, पहली गलती ये है कि पहले क्लास में यदि लिस्ट दिखेगा तो आगे आने वाले क्लास में आपको शुड लगाना जरूरी है, शुड लगाना जरूरी है, पहली गलती। यहाँ शुड लगा करके नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती, लिस्ट भी क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है, लिस्ट क्या है आपका,
निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसके साथ भी हमको किसी भी अन निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, जैसे नो, नॉट, नेवर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। चले, अब इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, जो इसका अर्थ होता है वो अर्थ होता है सो दैट नॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ताकि ना, ताकि नहीं, ठीक है, ताकि ना या फिर ताकि नहीं। जैसे एग्जांपल से अभी हम समझाते हैं, पहले इन पर नजर डालिए, इनको समझिए, मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं यहाँ पर, पहला शब्द ये लिखा है, यानी पहली कंडीशन कि इसके साथ लिस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, शुड का यूज करना। दूसरी बात है, लिस्ट आल्सो निगेटिव वर्ड्स, क्या है, निगेटिव शब्द है, वी डोंट यूज अनदर निगेटिव वर्ड विद द लिस्ट, लिस्ट के साथ हमको कभी भी किसी दूसरे निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना। अब लिस्ट का अर्थ होता है, जैसे कि हम सो दैट नॉट लगा करके अर्थ निकालते हैं, ताकि नहीं, ताकि नहीं, ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एग्जांपल से आप देते हैं, एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, लिस्ट, ही मे फेल, बताइए जरा क्या गलती है यहां पर, हर तरह की गलती आपको दी गई है यहां पर, जरा देखिए, अगर आपने बातों को हमारी बहुत ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, बनेगी जरा इसको। तो हमने कहा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, लिस्ट, ताकि, हमने कहा ना, ध्यान रखिएगा, सो दैट नॉट, ताकि ही मे लगा दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने पहले ही बात ये बताई पहले ही कि यदि लिस्ट वर्ड आया, क्या आया हो, लिस्ट वर्ड आया हो, तो आगे आने वाले क्लास में, ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले क्लास में हमको कौन सा वर्ड लगाना है, शुड वर्ड लगाना है, ठीक है। यहाँ क्या लगा हुआ है, मे, क्या लगा दें, शुड लगा दें, ठीक है। तो लिस्ट ही मे फेल, अब इसका अर्थ होगा ताकि नहीं, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ताकि, ताकि ही शुड फेल, ताकि वह फेल ना हो, ताकि वह फेल ना हो, ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है। अरे क्या दिक्कत हो गई भाई, क्या समस्या आ रही है क्या, अरे देखिए चीजें, हम देखिए दोस्तों बात को समझिए, जब चीजों को आप पहली बार सुन रहे हो, जब चीजों को पहली बार देख रहे हो, हमारे कहने का मतलब आप बहुत बार परिचित होंगे वर्ड से, लेकिन जब आप, ध्यान समझिएगा हमारे दोस्तों, जब आप कंफ्यूज होना शुरू कर दें, जब आप उसमें असमंजस पड़ जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं पड़ रहा, चल रहा है चीजों को, इसके पहले आप कभी सीखे हों, जाने हों, समझे हों, है कि नहीं, इस तरीके से तो आपको लगना भी चाहिए, तो आपको तुरंत आ जाएगा। यदि आपने जब देखा नहीं, जाना नहीं, तो पहले चीज़ों को बार बार सीखिए, पढ़िए, तब, और देखिए, अगर वर्ड ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से पॉज करके देखिए, बैक जा करके देखिए, एक एक शब्द जो मैं बोला हूँ उनको ध्यान से सुनिए, तब उसके बाद इस सेंटेंस पर अमल करिए, आपको गलतियां खुद ही आप फाइंड आउट करने लग जाएंगे। मैंने यहाँ क्या कहा, ध्यान समझिएगा, ही वर्क्स हार्ड, लिस्ट ही मे फेल, तो मैंने पहले ही सेंटेंस कहा कि लिस्ट के साथ हमें शुड आएगा, किसी अन निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना, और इसका अर्थ यूज करना सो दैट नॉट, ठीक है। अगर हम अभी इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ही वर्क्स हार्ड, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, सो दैट ही शुड नॉट या ही मे नॉट फेल, ठीक है ना, अब समझ में आ गया आपके, ही वर्क्स हार्ड, ठीक, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि ही मे नॉट फेल, वह फेल ना हो जाए,
है ना, वहाँ फेल ना हो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। वही सेंस ये, यही चीजें मैं यहाँ पर बता रहा था तो अभी तक समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैंने ये सेंटेंस लिख दिया इसी की जैसा तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको लगाएंगे लिस्ट को यहाँ पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिस्ट लगाते हैं लिस्ट, तो अब हमको यहाँ पर क्या लगाना है, शुड, शुड लगाना है फेल, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, लिस्ट ही शुड फेल। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक गलती और देते हैं भाई, ध्यान समझिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ध्यान समझिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल। आप इसको जरा सही करिए, तो हमने बताया दोस्तों यहां क्या गलती है, बिल्कुल लिस्ट लगा है, शुड भी लगा है, कोई गलती नहीं है। लिस्ट आल्सो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, वी डोंट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड इन द सेंटेंस, है ना। तो जब हम लिस्ट का यूज किए हैं तो किसी अन्य नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, तो इस वजह से गलती हो गया। क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। अब ये सही हो गया, कठिन परिश्रम करो ताकि ताकि आप फेल ना हो, ताकि आप फेल ना हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनसे इतने प्रकार की गलती पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए भाई, जरा बताइए। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब ले चलते हैं, आपको मिलाते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक से, जो कि आपसे कंजंक्शन के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपना कवर करते चल रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग ले चलते हैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ, देखिए दोस्तों, सो एज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सो एज पॉजिटिव डिग्री, डिग्री एज, अब इसको इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसको इस तरीके से कहा जाता है भाई, सो डॉट डॉट एज, एज डॉट डॉट एज, इस तरीके से भी कहा जाता है, या फिर हम इसको और तरीके से कह सकते हैं, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये हो जाएगा, या फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज, ये हो जाएगा, है कि नहीं, कहीं ना कहीं बातें सेम है, तो हमने इनको एक साथ यहीं पर लिख दिया, आपको समझना पड़ेगा, या फिर हमको इस तरीके से जानते हैं या फिर इस तरीके से जानते हैं। देखिए अब चीजें यहीं से स्पष्ट होना शुरू हो जाती हैं, सो डॉट डॉट एज का मतलब हो गया कि सो के साथ और सो एज के बीच में जो भी आपका डिग्री या जो भी आपकी एडजेक्टिव आएगी उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगी, ठीक। और यदि एज एज भी आया है तो उसकी भी डिग्री कैसी, उसके बीच में आने वाले एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। स्पष्ट हो गया बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक, चले बताइए भाई, ठीक है ना। आइए एग्जांपल करते हैं, ही इज एज वेटर एज यू, ही इज एज वेटर एज हिज ब्रदर, लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहे, हिज ब्रदर, बनाइए सेंटेंस को आप करेक्ट करिए भाई, सेंटेंस को करेक्ट करिए, ठीक। जैसे एक सेंटेंस और दे देते हैं दूसरा, ही इज नॉट सो ऑब्लिक एज गुड, यहां लिख लीजिए, सो ऑब्लिक एज हिज, सॉरी दोस्तों यहां पर नहीं होगा,
so oblique as best best as his brother. करेक्ट करिए भाई. देखिए सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस आपके सामने है, आप बस केवल करते जाइए बस इन चीजों को. बनाइए इसको जरा. देखिए मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप जो है वहां जाइए बहुत. देखिए प्रोपोगंडा करना मेरा काम नहीं दोस्तों, ऑथेंटिक चीज लाना है और जो आपके दिमाग तक स्ट्राइक करे, जो दिमाग तक घुस जाए, आपकी खोपड़ी में सेद करे, वो बातें होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए. चीजें तो बहुत सारी मिलती हैं, है कि नहीं, लेकिन आपके जो यहाँ यहाँ जहान में जो जाए वो चीजें आपके लिए सुटेबल है. बाकी ज्ञान तो बट ही रहा है ना. चलिए तो यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, अब हमारे इस रूल पर आप गर्व करेंगे या फिर गौर करेंगे तो आप बिल्कुल इस सेंटेंस को सही करेंगे. हमने कहा ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, वह उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई. तो यहाँ पर हमने कहा कि एज और एज इनके बीच में जो कोई भी डिग्री आएगी उसका, जो कोई भी एडजेक्टिव आएगा उसकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगी. अब इसकी पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो गुड, कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो बेस्ट होता है. ठीक है ना, ये एडजेक्टिव की तीन डिग्रियां हैं. तो यहाँ पर हमको बेटर नहीं क्या यूज करेंगे, गुड यूज करेंगे. ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर. इसी तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं तो वेस्ट को हटा, बेस्ट को हटाते हैं, क्या लगाते हैं, गुड, बिकॉज दैट इज पोजिशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, है कि नहीं. ये पोजिशन पॉजिटिव डिग्री का है, बातें आपको समझ में आ गई होंगी. चले भाई कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब जरा ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई ना, ध्यान रखिए इनसे ये गलती पूछता है. ठीक है भाई, अब थोड़ा इसमें डिफरेंस कभी कभी आपको जानना पड़ता है, जैसे कि कभी क्लोज पैसेज में आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ी बातों को जान लीजिएगा कि सो डॉट डॉट एज, इसका प्रयोग हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के साथ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव दोनों के साथ करते हैं, लेकिन एज और एज का प्रयोग हम हमेशा निगेटिव के साथ करते हैं. किसके साथ करते हैं, निगेटिव के साथ करते हैं. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग हम दोनों के साथ कर देंगे और इसका प्रयोग हम निगेटिव के साथ करेंगे. अब इसी की कड़ी में हम आपको आगे जोड़ के ले चलते हैं कि कभी कभी ध्यान रखिएगा सो के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या पूछता है, दैट आता है, और सो के साथ कभी कभी एज दे देता है, सो दैट भी दे देता है और सो एज भी दे देता है. ठीक है ना, अब इसकी क्या कहानी है याद करिए. अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी प्यारे साथ हमारे शुरू से देख रहे होंगे तो उनको मैंने बताया है, शुरू में मैंने चर्चा किया है कि सो दैट के बाद जो भी क्लास आएगा, जो भी क्लास आएगा वह अस्पष्ट होगा. क्या होगा, अस्पष्ट होगा. ठीक है ना, अस्पष्ट होगा. और यदि हम बात करें सो एज के बाद जो भी क्लास आएगा वह अस्पष्ट नहीं होगा, यदि जो भी क्लास आएगा वह अस्पष्ट नहीं होगा. अब क्लास अस्पष्ट होने का मतलब, या क्लास अस्पष्ट होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके बाद हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए. एज के बाद हमको किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी वर्ब की जरूरत, यानी किसी न किसी फ्रेज की जरूरत पड़ेगी या फ्रेज भी आएगा. ठीक है ना, क्योंकि जहां पर हमको क्लाज स्पष्ट ना होने का मतलब ये है कि उसका भावार्थ स्पष्ट ना हो, मीनिंग तो रखेगा, फ्रेज की तरह होगा, मीनिंग सेंस तो होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं होगा. ठीक है ना, चीजें समझ में आई है, बताइए. अगर समझ में आई हो तभी मैं एग्जाम्पल कराता हूं, आप देख लीजिएगा. ठीक, देखिए सी, यहां लिखता हूं दोस्तों, सी वर्कड हार्ड सो
as, so as, see, could, get good marks. बनाइए इसको भाई, जरा बोलिए इसको। ठीक, एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस, सी वर्क्स हार्ड। ध्यान रखिएगा चीजें, देखिए सेंटेंस एक ही देता हूं क्योंकि आप जल्दी से समझ पाए। सी वर्क्स हार्ड सो एज टू गेट अ जॉब इमीडिएटली या फिर एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। करिए भाई इसको। बनाइए, सी वर्क्ड हार्ड सो एज सी कुड गेट गुड मार्क्स, सी वर्क्स हार्ड सो, यहां पर दैट, दोनों सेंटेंस करिए। अब पहचानना होगा तो आप पहचान गए होंगे, अगर नहीं पहचान पाए होंगे तो समझिएगा। यहां पहली बात तो क्या कह रहा है, वह कठिन परिश्रम करती थी सो एज, अब मतलब समझिए, सो एज सी कुड गेट अ गुड मार्क्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि सो एज का मतलब है एज लगाने से क्लॉज स्पष्ट नहीं होगा, और क्लॉज स्पष्ट नहीं होने का मतलब यह है दोस्तों उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्लॉज स्पष्ट है इसलिए हमको क्या लगाना है, सो के साथ दैट का यूज करना है, एज का प्रयोग नहीं करना, और इसका अर्थ भी हो जाएगा ताकि, क्या हो जाएगा ताकि। अब इसकी चर्चा करें, सी वर्क्स हार्ड वह कठिन परिश्रम करती है सो एज क्योंकि, ध्यान दीजिएगा सो एज ना कि ताकि, है ना, ठीक है भाई। और जरा ध्यान दीजिएगा, दैट लगाने से हमको क्या होगा, क्लॉज स्पष्ट सही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इन्फिनेटिव से शुरू है ना, इन्फिनेटिव से शुरू है तो कोई क्लॉज तो है नहीं, जब क्लॉज नहीं है तो यहाँ पर हम दैट को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे एज, क्योंकि टू गेट अ जॉब वह जॉब पा सके एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सो दैट आएगा तो क्लॉज स्पष्ट होगा और सो एज आएगा तो क्लॉज स्पष्ट नहीं होगा, बातें समझ में आ गई ना चीजें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी भाई। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, और डेली आप लोग जुड़िए भाई 8:30 बजे शाम को 8:30 बजे डेली लाइव सेशन में जुड़िए और आप लोग देखिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।